नमस्कार दर्शकों की खास पेशकश शख्सियत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जी हाँ हम बता दें कि शख्सियत थीम पर हमने एक नया एपिसोड शुरू किया है इसके पिछले एपिसोड में शख्सियत में आपने दुर्ग जिले के एसपी आई ए एस शल्लभ कुमार सिन्हा से रूबरू हुए थे उनके जीवनी के बारे में हमने आपको बताया था उनके जितने भी जज्बात थे पुलिस डिपार्टमेंट को लेके उनको साझा किया था उन्होंने और आज हमारी दूसरे एपिसोड की जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज ही नहीं भिलाई की बेटी भिलाई की बहू भिलाई की रौनक कह सकते हैं उनको जी हाँ मैं बात कर रही हूँ सोनाली चक्रवर्ती मैडम की तो हम सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में तो सोनाली मैम सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ स्वागत के साथ हमारे जो बहुत सारे सवाल है आप पर दागने वाली बिल्कुल आप भिलाई की बेटी हैं भिलाई की बहू भी हैं आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई गुरु नानक हायर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर सिक्स से आ, मैंने पढ़ाई शुरू की और मैं ये कहूंगी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने स्कूल की वजह से हूँ आपका ससुराल भी यहीं का रहा कॉलेज आपने कल्याण कॉलेज से किया शायद मैंने अभी बीच लास्ट ईयर ही एक मिलेनियर प्रोग्राम में आपके बहुत सारे जज्बात पेपर में पढ़े थे अपने कॉलेज के कुछ अनुभव बताइए कल्याण कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया और शादी के पंद्रह साल बाद वहीं से एमए किया और वहीं से पीएचडी भी की कल्याण कॉलेज ने हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत सहायता की जितने भी कल्चरल प्रोग्राम थे मैं उनकी हेड होती थी हमेशा शायद वही अभी तक चल रहे हैं आपकी शादी भिलाई में हुई जी। आपके पतिदेव जो हैं वो बेस पे हैं एक हाउसवाइफ होते हुए आपने जो समाज सेवा का इतना बड़ा बेड़ा उठाया स्वयं सिद्धा के तहत कच्ची धूप भी आपने शुरू की ये कैसी पहल थी आपकी ये पहल बहुत बचपन से शुरू हुई थी असल में आ, मैं कहानी अगर बताऊं तो मेरी नानी की कहानी है कि जो जिनके पति उनसे अट्ठाईस साल बड़े थे और ज़िंदगी भर मेरे नाना ने उनसे ना बात की ना कुछ वो बहुत कल्चर्ड थी बहुत टैलेंटेड थी लेकिन उनको कोई मंच नहीं मिल पाया उसके बाद मैंने कई महिलाओं को देखा जिनकी कोई करियर कोई पहचान शादी के बाद नहीं हो पाती तो उससे स्वयं सिद्धा की शुरू हुई और कच्ची धूप है मेरी स्लम क्लास हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि स्लम के बच्चे बिगड़ जाते हैं या बहुत अपराध उन बस्तियों से होते हैं लेकिन हम उन्हें देते क्या है तो मैं हफ्ते में तीन से चार दिन उन बच्चों के साथ समय बिताती हूं उनके व्यक्तित्व विकास से लेके संगीत और हर चीज़ की ट्रेनिंग देके उनका मेकओवर करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाकर उन्हें शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करती हूं। स्वयं सिद्धा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कई सारी महिलाओं को मैंने एक साथ एकजुट देखा है आपने उनको जोड़ के रखा हुआ है ये किस तरह का कार्य करती समाज में स्वयं सिद्धा हम उन हाउसवाइफ्स को Uh, काम में लगाते हैं जिनके बारे में समाज ये कहता है कि दिन भर करती क्या हो घर में बल्कि घर उनके बगैर नहीं चलता घर के सारे काम करने के बाद फिर हम उनका प्रयोग करते हैं समाज सेवा के लिए लाइट एंड साउंड शोज ड्रामा नुक्कड़ नाटक म्यूजिक कैंपेन मिशन हर चीज के साथ हम उन महिलाओं को यूज करते हैं जिनके टैलेंट को मंच और सम्मान भी देने की कोशिश की जाती है और समाज के लिए एक काम हो जाता है भिलाई रत्न की बात करें तो दो फरवरी या ऐसा मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है एक ऐसा यहाँ कुछ कार्यक्रम किया जाता है उसमें उसमें भिलाई भिलाई रत्न रत्न दिया जाता है आपको आपको भी से सम्मानित किया गया था वो सम्मान पाकर आपको कैसा लगा आ, मुझे लगा ये सम्मान बहुत जल्दी मिल गया मुझे मुझे अभी बहुत काम करने थे और आगे भी मैं बहुत काम करते रहूंगी इस सम्मान ने आ, मुझे खुशी और गर्व के साथ जिम्मेदारी बढ़ने का भी एहसास दिलाया है आप संस्था चलाने के बावजूद कच्ची धूप को भी आप चला रही उसके बावजूद घर में किस तरह का टाइम दे पाते हैं घर में में मैं पूरा पूरा टाइम देती हूं। असल में ना मेरा जो काम है वो आजकल आप रील्स देखेंगे अधिकांश रील्स में हाउसवाइफ को बहुत दयनीय दिखाया जाता है दिखाया जाता है कि वो दिन भर काम कर रही है उसे शैम्पू करके बाल सुखाने का भी समय नहीं है और लोग उसमें कमेंट्स लिखते हैं कि मेरी भी जिंदगी ऐसी है मुझसे कोई बात नहीं करता मेरा कोई अः कोई मेरी एहसासों को समझते नहीं है मैं इन हाउस वाइफ को बताना चाहती हूँ कि हाउस वर्ड इंग्लिश का है लेकिन हिंदी में वो शब्द गृह स्वामीनी है हम अपने घर को अपना कर्म क्षेत्र बना के यदि काम करे वो मेरा ऑफिस है मेरे काम करने की जगह तो मैं अपना पूरा टैलेंट अपने घर बच्चों की परवरिश हर चीज में दिखा सकती हूँ और हम हाउस वाइफ को ऐसे ही ग्रूम करते हैं सिर्फ घर से निकल के वो कुछ बाहर करे उसके साथ वो घर में एक परिवार को संस्कारित करे तो ये ज्यादा बेहतर काम हो सकता है तो इसलिए मेरा भी घर मैं अपने ढंग से चलाती हूँ आपके घर का विजिट भी किया है मैंने देखा है काफी गार्डनिंग की है आपने जी जी। और कुछ गुनगुनाते हुए मीठे स्वर में आपने अभी फेसबुक में एक वायरल भी किया था <laughs> जी, जी। तो उन पेड़ पौधों को जो जिसको बच्चे की तरह देख रेख करना पड़ता है उसको कैसे कर पाती है ये जो सारे काम आप पूछ रहे हैं ना ये सिर्फ सिंपल टाइम मैनेजमेंट है मैं सबको सिखाती हूँ कि दिन में आपके पास छह से सात घंटे नेट और मिल सकते हैं यदि आप हिंदी के सीरियल्स ना देखें जो आपका बहुत समय खाते हैं आप फोन पर गॉसिप ना करें और दोपहर को ना सोए तो मेरे पास ही समय बच जाता है मैं आराम से काम कर पाती हूँ महिला अपराध की बात करें तो आजकल कर समाज में महिलाओं के ऊपर अपराध काफी देखा जा रहा है चाहे वो शोषण का हो या फिर साइबर क्राइम हो हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं मुझसे किस दिन पहले भी किसी ने पूछा कि पुलिस और कानून व्यवस्था नाकाम है अपराध रोकने में तो मैंने उनसे साफ पूछा था कि क्या पुलिस सबको जाके कहती है कि आप अपराध करो ये काम माँ बाप का है ये संस्कार देने का काम पूरे समाज का है तो हम इस दिशा में पहले भी काम कर रहे हैं अपने शोज के माध्यम से कि बेटों को अपने साथ रखो बेटों को संस्कारित करो उनको बताओ महिला सम्मान के विषय में वो अगर इस ढंग से अपने घर में जिस घर में देखे कि पिता माँ का सम्मान कर रहे हैं उस घर का बेटा भी ये सीखेगा और अपराध अपने आप कम होंगे तो इस दिशा में हम अपने तरीके से जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं स्वयं सिद्धा कच्ची धूप इसके अलावा शाश्वत एकेडमी भी जी आपकी है आप संचालित कर जी उस एकेडमी में किस तरह के क्या सिखाए जाते हैं उसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी सुगम संगीत उसके साथ उसमें स्लम के बच्चों के लिए निशुल्क कक्षाएं चलाई जाती हैं और उसमें उन बच्चों को मैं मुख्यधारा के बच्चों के साथ एक साथ ट्रेन करती हूं जिससे कि इनके मन में आता ही नहीं है कि वो अलग बच्चे हैं मेरे क्लास में शारीरिक रूप से निशक्त बच्चे भी आते हैं और सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक बेटर समाज बनाने की कोशिश करते हैं प्रजापत ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो अभी गॉड मेरे अंदर God's power मेरे तो पास था। तो उसमें आपके बच्चों ने भी उसमें नहीं वो बच्चे ब्रह्मा कुमारी के ही बच्चे थे उनके डिवाइन ग्रुप के बच्चे थे और मैंने उसमें भिलाई का पार्ट किया था हमने ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन के स्वागत में भिलाई की महिमा को बताया था कि वो आई कहाँ है वो उनके पूरे विदेशों में कार्यक्रम चलते हैं रोज उसमें भिलाई जैसे छोटे शहर में उनका पावन आगमन बहुत ही सौभाग्य की बात थी और मैंने ये देखा कि अच्छी बातें सुनने के लिए लोग कितने लालयत हैं लोग उस कार्यक्रम में जाना चाहते हैं तो हमने भिलाई को रिप्रेजेंट किया कि भिलाई एक मिनी भारत है ये शुवानी, बताया शिवानी बहन के जो आचार विचार है लोग जो वहां सुनने आए थे जी किस तरह प्रभावित हुए क्योंकि आप भी वहाँ मौजूद हाँ बिल्कुल मैं सुबह शाम वहाँ मौजूद थी और वहाँ सिर्फ सन्नाटा था मंत्र मुग्ध थे लोग और सिर्फ वो अच्छी बातें कर रही थी जो शायद हमारे अंदर होंगे कि हमें ये काम करने चाहिए लेकिन हम उसको कुछ सही दिशा नहीं दे पाते हैं जब शिवानी बहन कहती है तो वो सीधे मस्तिष्क के अंदर जाता है तो अगर इससे चार इंसान भी सुधरते हैं तो समाज अपने आप पे आ जाएगा मुझे ऐसा लगता है और अगर आपको अपनी संस्था के साथ समाज के लिए कार्य करना पड़े तो किस तरह का कार्य करेंगे कुरीतियों को दूर करने या लोगों की मदद के तौर पर यह हर कामना महिलाएं कर सकती है क्योंकि महिला घर की धुरी है इस पूरे संसार की धुरी है उसका काम है बच्चों को संस्कारित करना बच्चों को शिक्षित करना और खुद को भी शिक्षित करना मैं इस दिशा में भी काम करती हूँ कि महिलाएं अपनी अधूरी शिक्षा पूर्ण करें मैं उनको म्यूजिक की ट्रेनिंग भी दिलवाती हूँ और वो म्यूजिक में भी आगे जा रही हैं महिला जब तक खुद आ, समाज की धारा के साथ नहीं जुड़ेंगी रोज अखबार नहीं पढ़ेंगी समसामयिक विषयों से रूबरू नहीं होंगी तब तक मुझे नहीं लगता है कि वो अपने आप को साबित कर पाएंगी फिर उन्हें लगता है जब घर में कोई कहता है कि मम्मी तुम्हें आता ही क्या है तुम इस विषय में बात मत करो तब उन्हें इंसल्ट फील होता है तो उससे अच्छा वो खुद को भी नि... मतलब निखारते रहे जांचते रहे तब तो वो दोनों के लिए भी काम कर पाएंगी हम महिलाएं चाहे तो ये पूरा बीड़ा उठा सकती है पुलिस की हम मदद कर सकते हैं बल्कि ऐसा है। सर भी कर्मी है, नहीं जब ये पूरे देश में महिलाओं पे अत्याचार की बात होती है ना जब आधे लोगों के घर टूट रहे हैं पुरुषों से हमें इतनी शिकायतें हैं तो मुझे लगता है कि मुझे अपने पति श्री संदीप चक्रवर्ती के विषय में ये बातें लोगों को जरूर बतानी चाहिए कि जैसे हम कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है लेकिन एक सफल महिला के पीछे पुरुष के हाथ बहुत कम होते हैं लेकिन मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पति ने मुझे हर तरह से साथ दिया कुछ ऐसे साथ देते हैं कि वो अपने साथ देने को जचाते नहीं हैं कि मैं इतना हेल्प कर रहा हूँ उन इस वजह से मेरी सासू माँ या मेरा बेटा वो सभी हमारे घर कुछ काम होता है तो वो पूरे परिवार का काम होता है ये नहीं कि मम्मी का काम है तो बाकी लोग साथ नहीं दे रहे या पापा के ऑफिस में प्रोग्राम है तो बाकियों को उससे गरज नहीं हम पूरे फैमिली बहुत बॉन्डेड है इस वजह से हमारे काम आसानी से हो जाते हैं आप एक अच्छी शख्सियत हैं, एक अच्छा रुतबा रखती हैं। क्या राजनीतिक पार्टियां आपको ऑफर करती हैं? हाँ जी करती हैं। और मैं जब तक राजनीति से दूर हूं मुझे लगता है तभी तक ये ऑफर आने वाले हैं, क्योंकि राजनीति मेरा काम नहीं जिनके जो काम है वो काम वो करे जितने राजनीतिक पार्टी है सबके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है लेकिन मेरा काम कल्चरल है मुझे जो आता है मुझे वो करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है एक निजी सवाल है अगर बिल्कुल तो। आपकी खूबसूरती का राज क्या है <laughs> ये बात आप दर्शकों से पूछिए कि वो चाह रहे हैं कि नहीं कि आपको ही लग रहा है मुझे लग रहा है <laughs> दर्शक भी जानना चाहेंगे अक्सर जब मैं जाती हूँ कहीं प्रोग्राम में कैमरा आपकी तरफ करने मुझे बोला जाता है कि कैमरा उधर करो क्या राज है ये कोई खास रास्ता मैं बता नहीं सकती अगर आप लंबे बालों की बात करें तो ये खानदानी है और स्किन बंगालियों की मेरे ख्याल से मछली खाने से होती होगी और मेन बात है मन में विचार अच्छे रखने हैं आप मन में खुश रखने हैं खुद को खुश रखना है आसपास के लोगों को और भगवान से मैं अपनी प्रार्थनाओं में रोज कहती हूँ इस दुनिया में सब कुछ अच्छा हो मंगल हो दुनिया के मेरे चारों तरफ के हर आदमी अच्छा रहेगा तो मैं खुश रहूंगी और कोई खुश रहेगा तो इस दुनिया में खूबसूरती तो आएगी ही आप अच्छी कवित्री भी हैं सेंट्रल पार्क में एक प्रोग्राम में मैंने आपकी मैं औरत हूँ या ऐसी कुछ एक लाइन पे मैंने सुना था उसको रिकॉर्ड भी किया था और अक्सर आपसे बोलती भी हूँ कि वो मुझे सुनाइए दो लाइन सुना देंगे हमारे दर्शन मैं जितने नाटक करवाती हूँ जितने लाइट एंड साउंड शोज है वो सब मैं लिखती हूँ तो ये जो कविता है जो आपने सुनी थी अः वो है कि मैं एक बार बहुत गुस्से में आ गई थी मैं इन हाउसवाइफ से जब निकलने को कह रही थी जो बहुत शुरुआत की बात है जब स्वयं सिद्धा की शुरुआत हुई थी तो मैं उनसे जब कहती थी घर से निकलो तो उन्हें लगता था कि अभी बाई नहीं आई है अभी ड्रेस चेंज करना है उनको निखारने के लिए भी अलग एफर्ट लगाने पड़ते थे मुझे एक दिन मैंने गुस्से में लिखा था कि स्त्री तुम इतने मुखौटे क्यों रंगती हो आंखों की जगह आंखें होठों की जगह होठ रखती हो पल के सिलसिलेवार हो लिपस्टिक एक सार हो इसी का ध्यान रखती हो अपने सिले हुए बासी अंधेरे खोल में सरकती जाती हो और सिर्फ मुखौटे रंगती हो तुम अखबार नहीं पढ़ती तुम समाचार नहीं सुनती तुम खिड़की के बाहर एक झीनी सी रोशनी ज्ञान की है वो तुम्हें दिखाई नहीं देती तुम बस मनयोग से मुखौटे रंगती हो विवाह की वेदी में तुमने अपने सारे सपनों को स्वाहा कर दिया विदाई के चावलों के साथ अब तक सीखी हर एक विद्या तुमने माँ के आंचल में वापस उछाल दी तुमने गंगा नहा ली और इसके बाद कभी बेटा कहे मम्मी तुम्हें कुछ नहीं आता पति गुर्राए तुम चुप रहो सास खिसिया कि इससे क्या पूछना तब भी तुम अपने इस मुखौटों को रंगती रहना अपने विकृत आंसुओं से भीगे मुखौटों से तब चेहरा ढकती रहना वाकई बहुत सुपर बहुत अच्छा आज दर्शकों से आप ग्रैंड एसियन दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक रहे हमारा समाज बहुत सुंदर हो जाएगा परिवार में स्त्रियों की मनोभाव को और ज्यादा महसूस करें मैं ये तो नहीं कहूंगी स्त्रियों से भी कहूँगी कि अपने पति की भी समस्याओं को समझने की कोशिश करें मैं हमेशा कहती हूँ हम लोग अपने सारे सपने टूटने का ठीकरा अपने पतियों पे फोड़ते हैं लेकिन क्या आपने कभी पूछा है कि आपके पति पायलट या शाहरुख खान बनना चाहते थे और अभी वो सिर्फ प्लांट में बेल्चा चला रहे हैं हमें सबको एक दूसरे के एहसासों का ख्याल रखना पड़ेगा परिवार जितने संगठित होंगे जितने एकजुट होंगे समाज उतना ही सुंदर होगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने का तो दर्शकों ये थी सोनाली चक्रवर्ती मैडम जी हाँ अनेकों प्रतिभाओं की धनी ऐसे कौन से गुर हैं जो उन्हें नहीं आते अच्छा गाना अच्छा पकाना पति की अच्छी सेवा करना स्वयं सिद्धा चलाना कच्ची धूप चलाना इसके अलावा अनेकों कई गुण उनके अंदर समाये हुए हैं अपने चंद लम्हों से उन्होंने कुछ लम्हे हमें दिए और अपने जज्बातों को हमारे साथ साझा किया तो शख्सियत के एपिसोड में आज फिलहाल इतना ही अगले एपिसोड में हम फिर किसी नए शख्सियत से आपको रूबर कराएंगे जब तक के लिए नमस्कार